पे तुम्हारी वतन परस्ती का बेचैनी से इंतजार रहेगा। प्लीज भैया, आपने ये क्या किया? सारे राज खोलकर उसे जाने दिया? तुम्हें और बिगाड़ने के लिए इस वकील साहिबा की पहले तुम इज्जत लूटो, फिर इसके जिस्म के चिथड़े चिथड़े कर दो छोटे। ठीक है भैया। ए! ये क्या बदतमीजी है? आज तक कहता आया हूं, अब देख भी लूंगा। नहीं किरण, आज के बाद हमारी इस छोटी सी दुनिया में कोई आंसू नहीं बहाएगा। तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मुझे एक काम करना है। सिर्फ तुम्हें नहीं, हमें मिलकर। सर प्लीज मेरी बात मानिए, दूध की सप्लाई को रोक दीजिए, वो दूध नहीं जहर है। इंस्पेक्टर सक्सेना, मुझे सबूत चाहिए। एक गुस्से में बहके पति का बेबुनियाद शक नहीं। सर सारा शहर जानता है कि जेजे ने तुम्हारी बीवी को नौकरी से निकाल दिया है। अब उसका बदला लेने के लिए तुम पुलिस मशीनरी का नाजायज इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मुझे सबूत चाहिए। आई वॉन्ट प्रूफ। सर इस वक्त मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन कल जब दूध पीते बच्चों की लाशों के ढेर होंगे तब हम क्या जवाब देंगे? इंस्पेक्टर सक्सेना, यू कैन गो। सर प्लीज आप पब्लिक को अलर्ट करवा दीजिए। I said you can go. विजय सक्सेना। देखा मिस्टर विजय सक्सेना, मैं कुछ करता भी नहीं हूं, फिर भी दुनिया के सामने तुम एक छोटे से मासूम से बच्चे नजर आते हो। मजा आया ना मिस्टर विजय सक्सेना? जे जे, तूने एक सोते शेर को जगाया है।
ये शेर चीतों को रहने दो विजय सक्सेना, जगाना है तो अपने अंदर के चौकीदार को जगाओ, खतरा भी टला नहीं है। तू क्या समझता बेवकूफ, मैं तुझसे कह रहा हूं इडियट, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जीजे। अरे तूने मुझे पकड़ा ही कहा है जो नहीं छोड़ेगा। मेरी एक और बात अच्छी तरह से सुन ले, अब एक ऐसी चाल चली है कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये पूरा शहर मेरे घुटनों पे होगा। रोक सकता है तो रोक ले, बाद में पछताना ना पड़े, हाँ ठीक है। विजय सक्सेना, अब मजा आएगा विजय। बोल तुम लोगों का किसने भेजा है? जेजे साहब, जेजे साहब, जेजे। अदालत में पेश किए गए गवाह और सबूत जाहिर करते हैं कि जेजे कॉरपोरेशन के काम करने के तौर तरीके ना तो कानूनी है ना ही जायज है। इसके अलावा कई बेनाम कंपनियां और खाते नजर में आए हैं जो जेजे कॉरपोरेशन से ताल्लुक रखते हैं। ये अदालत जेजे कॉरपोरेशन को एक हफ्ते की मोहलत देती है अपने सही खाते, बेनामी सौदों का हिसाब और अपनी सफाई अदालत में पेश करने के लिए। इस बीच जेजे कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट और उनके गोदामों से बरामद किया गया माल अदालत के कब्जे में रहेंगे। थैंक यू बेटा। देखा मम्मी, पूरे दो घंटे से कपड़े पहनकर तैयार बैठे हैं। पापा है कि आने का नाम ही नहीं लेते। आले आले, नालाज नहीं होते बेटे, पापा भी आते होंगे। हम जानते हैं वो नहीं आएंगे, पहले भी तीन बार प्रॉमिस करके हमें पिकनिक पे नहीं लेके गए। इस बार भी नहीं लेके जाएंगे, पापा झूठे हैं, हम उनसे बात नहीं करते। चलो 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 चलो, आज बॉबी आपसे बात नहीं करेगी। क्यों? आप लेट आए। तंग आ गया हूँ यहाँ की ट्रैफिक से, इतनी गाड़ियाँ इतने सिग्नल्स, कोई इंसान तो वक्त पर घर पहुंच ही नहीं सकता। चलो अभी सामान गाड़ी पे रखते हैं। चलो चलो। अच्छा बाबा, मैंने कान पकड़ लिया, आज के बाद कभी देर से घर नहीं आऊंगा। एक दो न,
मिस्टर सक्सेना, मिसेस सक्सेना अब खतरे से बिल्कुल बाहर है, लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर? हमने उनकी आवाज वापस लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब वो बोल नहीं पाएंगी। हिम्मत रखिए आप। संजय, तुम बॉबी को लेकर घर जाओ, मैं यहीं रहूंगा। ठीक है भैया, चलो बॉबी। वो हरामजादी अभी तक जिंदा है हॉस्पिटल में। हमें इतना दुख पहुंचाने के बावजूद वो अभी तक जिंदा है? अरे उसके साथ उसके पूरे परिवार को खत्म कर दो। जाओ सीधा अस्पताल जाओ। किल देम ऑल। ठीक है भैया। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस प्लीज। हाउ इज मिसेस सक्सेना? मिसेस सक्सेना इज ऑल राइट, लेकिन अब वो बात नहीं कर सकती हैं। उनका वोकल कॉर्ड डैमेज हो गया है, इस समय वो ऑब्जर्वेशन में है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? सॉरी सर। ने मिलकर हमें बर्बाद कर दिया। अब मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं डॉक्टर लेकर आता हूं। आ,
अब तो अभी हिसाब चुकाना बाकी है। मैं अब ऐसी चाल चलूंगा कि ये धरती कांप उठेगी। आप लोग जल्दी बात कर लीजिए, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। छोटू भैया, भैया ये ले, भैया ये ले जल्दी। इतना मारा तेरे को, इतना मारा, तेरे एक एक जख्म के बदले मैं खून की नदियां बहा दूंगा छोटे, खून की नदियां बहा दूंगा। भैया मुझे यहां से बाहर निकालो। पर थोड़ा वक्त और छोटू, वो खुद इंस्पेक्टर तेरे को बाहर तक छोड़ने आएगा छोटे, वो खुद तुझे छोड़ने आएगा। पर थोड़ा सा वक्त और। जय साहब आप जल्दी कीजिए, नहीं तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। खतरे में तुम नहीं, अब खतरे में दुश्मनों की जिंदगी पड़ जाएगी। तुमने तो डरा ही दिया यार, क्या बात है? संजय बड़ी मुश्किल से घर से बाहर निकल के आई हूँ। डैडी मेरी शादी होम मिनिस्टर के बेटे के साथ करना चाहते हैं। पूजा जब तक मैं जिंदा हूँ ना, अपने प्यार को मरने नहीं दूंगा। पर उन्होंने मेरी मंगनी की तारीख भी पक्की कर दी है। घबराओ मत पूजा, तुम्हारे डैडी के सामने मैं तुम्हें अपनाऊंगा। वैसे मंगनी की तारीख क्या है? 12 तारीख उस मिनिस्टर के बेटे की आज ही की बिटिया के साथ सगाई की रस्म होगी। बधाई हो, इतने बड़े फंक्शन में बड़े बड़े लोग होंगे, पुलिस ऑफिसर्स होंगे, वहां पर हमारा जाना भी बहुत जरूरी है। ये आप क्या कह रहे हैं जज साहब? बदला जब मंत्रियों के साथ साथ वो मिनिस्टर भी हमारी मुट्ठी में होगा, तब दुनिया को जजे की ताकत का एहसास होगा। मगर हमारा वहां जाना नामुमकिन होगा क्योंकि उनकी सिक्योरिटी जेड क्लास की होगी। जेजे के प्लान के सामने बड़ी से बड़ी सिक्योरिटी भी नाकाम हो जाती है। नहीं प्रिया, मैं कहीं नहीं जा सकता। इसका मतलब मेरे भाई की मंगनी पर भी नहीं आओगे? वो बात नहीं है प्रिया, मेरा मूड ठीक नहीं है। तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए ही कह रही हूँ। विजय आखिर तुम कब तक इस तरह उदास रहोगे? हेलो बॉबी, तुम चाहो तो बॉबी को ले जा सकती हो। तुम आओगे मेरे साथ? गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। क्या कोल्ड ड्रिंक है हवलदार साहब? बेशक चेक कर लीजिए। चेक करो। हाँ,
लेके जाओ। वो सिक्योरिटी का साला इंतजाम हो गया ना? यस सर। वो जो डांस पार्टी आने वाली थी आ गई? वो तो कब के आ गए सर। गुड गुड। प्रिंस साहब नमस्ते। कैसे हैं? तिवारी साहब आइए आइए सर। वेलकम वेलकम। बहुत बहुत मुबारक। आइए तशरीफ रखिए। नमस्कार। नमस्ते। बैठो। नमस्ते। पूजा कहाँ है? बेटी पूजा अपने कमरे में है। ठीक है, मैं ऊपर जाकर देखती हूँ। तिवारी साहब, सगाई की रस्म से पहले मैंने आप लोगों का दिल बहलाने के लिए कार्यक्रम रखा है, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ जरूर, खुशी का मौका है, जश्न तो होना ही चाहिए। थैंक यू सर, मैं भी आता हूँ। पूजा, संजय, मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। पूजा, आज हमारे प्यार का इम्तिहान है। यहाँ पर जितने लोग जमा हैं, सारे इस शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। हमारे प्यार से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं संजय। हाँ पूजा, लेकिन इस सच्चाई को उन पर खोलने के लिए हमें आज एक नाटक करना पड़ेगा। चलो 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 बंदर। हथियार फेंको, अपने फेंको, हथियार फेंक दो। पूजा यहां आओ। लेकिन सर, नहीं सर, सर वहाँ झाड़ी में एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ है, इसे बाहर निकालो। संजय, संजय, हनी, जल्दी से पानी ले आओ। भैया संजय, क्या हुआ तुम्हें? भैया लोग। कौन थे वो लोग, बोल। पता नहीं भैया, सब लोग बेहोश, सबको उठा कर ले गए, प्रिया और बॉबी को भी। कौन थे बोलो सजाए, कौन थे? पता नहीं भैया, मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। जल्दी से हॉस्पिटल ले जा। चलो चले चले। वेलकम वेलकम वेलकम।
आप सब लोगों को यहाँ पर देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमें यहाँ क्यों लाया गया है? आप लोग मेरे मेहमान हैं। अगर मैं ये कहूंगा तो झूठ बोल रहा हूँ। आप सब लोगों को मैंने किडनैप किया है, बंदी बनाया है। अगर ये भी कहूंगा तो झूठ कहूंगा। तो सच क्या है? सच यह है कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और आप लोग मेरा सामान है। आप लोगों के जरिए मुझे करोड़ों रुपए का फायदा होने वाला है। जे जे, तू अपनी इस साजिश में कभी कामयाब नहीं होगा। शट अप, तुम्हारे यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जे जे का हुक्म चलता है। जे जे का ले जाओ इन सबको। जाने मन, अरे मर जाऊं पान खा के। यहाँ पर तुम्हें सब कुछ मिलेगा, कपड़ा लत्ता, खाना पीना, सब कुछ। ले जाओ इनको। अब पुलिस को पता चलेगा जे जे का शॉक ट्रीटमेंट। हेलो, कंट्रोल रूम। साहब, ये बत्ती की रोशनी इतनी तेज है कि यहाँ से 2 किलोमीटर तक भी कोई आदमी जाएगा तो पकड़ा जाएगा। वेरी नाइस, वेरी गुड। जेजे साहब, मैंने चारों तरफ बम लगा दिए। आप इस रिमोट से अगर यहाँ से बटन दबाएंगे तो कहीं भी ब्लास्ट होगा। मतलब कि मैं यहाँ से बटन ऐसे दबाऊं? और ये ब्लास्ट हुआ। फैंटास्टिक। Wow, lovely security. Thank you, sir. Very happy. Mr. Vijay Kumar Saxena. एक मिनट। Yes, yes, बोलने की आदत को जारी रखोगे तो जिंदगी में खुश रहोगे। वरना शहर की छोटी छोटी महान हस्तियां जैसे कि मिनिस्टर्स, आईजी और पुलिस जो मेरे कब्जे में हैं, इन सब की मौत का इल्जाम तुम्हारे सर पर होगा। तुम चाहते क्या हो? 100 करोड़ कैश और मेरे छोटे भाई की रिहाई। तुम पागल हो गए हो? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। और एक बात अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि तुम बात को बढ़ाकर फोन को ट्रेस करना चाहते हो। ऑल द बेस्ट यू। लेकिन एक बात याद रहे, अगर मेरी मांग पूरी नहीं की गई तो इन सबकी मौत का इल्जाम तुम्हारे सर पर होगा और एक एक करके सबकी लाश तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा मैं। हटाओ। आप फोन कहाँ से आ? सर, हम फोन ट्रेस नहीं कर पाए। नो नेवा, हम कभी भी किसी ब्लैकमेलर की डिमांड के सामने झुक नहीं सकते। मुजरिमों से सौदा करना हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। ये ऑर्डर सेंटर से आया है। लेकिन सर, फिर भी आप सोच लीजिए, जेजे बहुत खतरनाक आदमी है। आई डोंट केयर। जब कोई मुजरिम जुर्म करता है तो हमारे डिपार्टमेंट का फर्ज बनता है उसका जवाब देना, ना कि उसके साथ सौदा करना। आई वॉन्ट एन इमीडिएट एक्शन प्लान। एक्सक्यूज मी सर। सर, अगर आप इजाजत दें तो। हेलो। हेलो जी जी साहब को बता दो, कमिश्नर साहब ने सौदा करने से साफ इनकार कर दिया है। ठीक है। हेलो। हेलो कमिश्नर। यस जे जे। व्हाट जे जे, तुम्हें यहाँ का नंबर कैसे मिला? मेरी मांग का क्या हुआ? जो तुम कर रहे हो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ज्यादा होशियारी नहीं, मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ। तुम्हारी सरकार से 100 करोड़ का लोन अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। और सुनो, 24 घंटे के अंदर अंदर अगर मेरी अब मांग पूरी नहीं हुई तो इसका अंजाम तुम्हारी आंखों के सामने होगा कमिश्नर। हटाओ। पुलिस डिपार्टमेंट को बच्चों का खेल समझता है। उसे नहीं मालूम कि जब उससे भी बड़ी बड़ी हस्तियों ने हमारे सामने सर उठाया तो हमने आसानी से उनका सर कुचल दिया है। उसे पुलिस की पावर का अंदाजा नहीं है। ए, ये क्या हुआ?
ऑलर यहाँ आओ, बॉडी को नीचे उतारो। अरे ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब है, हैं? गले में वीडियो कैसेट? अभी तो हमने एक जज को ही मारा है, और अगर पुलिस फोर्स भेजने की होशियारी की तो याद रहे इस जगह के चारों तरफ बॉम्ब बिछे हुए हैं और रिमोट मेरे हाथ में। अगर खैरियत चाहते हो तो 100 करोड़ रुपया और मेरे भाई को मेरे हवाले कर दो। आगे का हाल देखो प्लीज। सारा खेल उसके हाथ में है, अब कुछ नहीं हो सकता। सर अगर आप बुरा ना माने तो मैं अकेले में आपसे बात करना चाहता हूं। इंस्पेक्टर। यस सर। सर पूरा फोर्स भेजने से कोई फायदा नहीं, यह एक अकेला आदमी का काम है। क्या मतलब? सर जजे ने इस वक्त हमारे हर कदम पर नजर रखी है। पूरा फोर्स भेजने से जेजे बॉम्ब से सभी आदमियों की जाने ले सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि इस काम के लिए अब मुझे परमिशन दें। लेकिन विजय इसमें बहुत खतरा है। कितना खतरा है सर? इस वर्दी पहनने वालों के लिए फर्ज की कोई सीमा नहीं होती, फिर हम खतरे की दीवार बनने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं? और आप जानते हैं सर यही हमारा एक चांस है। प्लीज सर। ओके विजय, गो अहेड, ऑल द बेस्ट। भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं संजय ये काम मेरा है। लेकिन भैया प्लीज। Mm-hmm.